वेलकम टू जेएसएससी झारखंड। जैसा कि हमने झारखंड के भूगोल का सीरीज शुरू किया है, आज झारखंड के भूगोल में झारखंड का जलप्रपात को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात, इसको लोधाघाट भी कहा जाता है। बूढ़ाघाट जलप्रपात को लोधा या लोधाघाट जलप्रपात, जो लातेहार जिले में है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये जो बूढ़ाघाट या लोधाघाट जो है, वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 137 मीटर है या 450 फीट है। यह बूढ़ाघाट नदी उत्तरी कोयल के सहायक नदी पर स्थित है। ये बूढ़ाघाट नदी पर है जो उत्तरी कोयल की सहायक नदी पर स्थित है। यानी कि बूढ़ाघाट जो है सबसे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 137 मीटर ऊंचा है, या फिर फीट में अगर पूछा जाए तो 450 फीट ऊंचा है। अक्सर पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 137 मीटर या फिर 450 फीट के। दूसरा है हुंडरू जलप्रपात, यह रांची में जिले में है। ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर या फिर 320 फीट है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 74 मीटर या फिर 320 फीट है। कभी अक्सर एग्जाम में मीटर की जगह फीट दिया रहता है, तो यह फीट भी याद रखिएगा। तीसरा है दशम जलप्रपात, यह भी रांची जिले में है और ये कांची नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। ये दशम फॉल की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 40 मीटर ऊंचाई है। चौथा है उस्तरी जलप्रपात, ये खंडौली पहाड़ है जो कि गिरडीह में है। ये खंडौली पहाड़ गिरडीह में स्थित है। उस्तरी जलप्रपात जो है खंडौली पहाड़ गिरडीह में स्थित है और ये उस्तरी नदी पर ही है। ये किस नदी पर है, उस्तरी नदी पर ही है। पांचवा है पंचघाघ, ये खूंटी जिले में है, झारखंड के खूंटी जिले में है। ये पांच धाराओं के बंटने से इसका नाम पंचघाघ पड़ा है। पांच धाराओं के बंटने से इसका नाम क्या पड़ा है, पंचघाघ पड़ा है। याद रखिए कि सबसे ऊंचा अगर पूछा जाता है कि कौन सा है, तो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है वो बूढ़ाघाट है और दूसरी है हुंडरू जलप्रपात। दूसरी कौन सी है, हुंडरू जलप्रपात, जो रांची जिले में है, और बूढ़ाघाट जो है वो लातेहार जिले में है। नेक्स्ट है हिरनी जलप्रपात, ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यह रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर स्थित है, रांची चाईबासा सड़क मार्ग पर स्थित है। यह नदी है रामगढ़ा नदी पर स्थित है। यह हिरनी जलप्रपात जो है वो रामगढ़ा नदी पर स्थित है। यह हिरनी जलप्रपात कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में, और किस नदी पर है, रामगढ़ा नदी पर है। नेक्स्ट है घाघरी जलप्रपात, ये लातेहार जिले में स्थित है। घाघरी जलप्रपात जो है वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, नेतरहाट के निकट ये है, नेतरहाट के निकट। नदी है कौन सी, घाघरी नदी पर स्थित है। घाघरी जलप्रपात घाघरी नदी पर स्थित है और ऊंचाई है 43 मीटर। नेक्स्ट है जोन्हा या गौतम धारा, जोन्हा को ही गौतम धारा बोला जाता है, जो कि रांची जिले में है। ये राढ़ू नदी पर स्थित है। गौतम धारा या फिर जोन्हा जो है वो राढ़ू नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 17 मीटर है। कितनी है, 17 मीटर। एक फैक्ट है, मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहाँ स्नान किए थे। ये जोन्हा जो है या गौतम धारा, यहाँ पे गौतम बुद्ध स्नान किए थे, ये मान्यता है। नेक्स्ट है हेपाद जलप्रपात, हेपाद कहाँ है, गुमला जिला में है। ये हेपाद जलप्रपात जो है गुमले जिला में स्थित है। ये घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। ये हेपाद जलप्रपात है, घाघरे नदी पर, नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट है कांति जलप्रपात, कांति किस जिले में है, लातेहार जिले में है। कांति किस जिले में है, लातेहार जिले में है। यह चंदवा कुरु मार्ग में सेन्हा गांव के पास स्थित है। ये कौन सा गांव के पास स्थित है, सेन्हा गांव के पास। कांति जलप्रपात जो है वो सेन्हा गांव के पास स्थित है, चंदवा कुरु मार्ग में है ये कांति जलप्रपात। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये जिला में, ये लातेहार है। नेक्स्ट है सुखलदरी जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है, गढ़वा जिले में है।
क्या है, कौन सा है, सुखलदरी जलप्रपात जो है गढ़वा जिले में है, ये कन्हर नदी पर है। सुखलदरी जलप्रपात जो है वो कन्हर नदी पर है और नगर उंटारी में। ऊंचाई है 30 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 30 मीटर। नेक्स्ट है सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात ये रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। कौन से मार्ग पर है? रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है सतबहनी जलप्रपात। सतबहनी जलप्रपात ये कौन से जिले में है? गढ़वा जिले में है। सतबहनी जलप्रपात जो है गढ़वा जिले में है। नदी वो सतबहनी नदी पर ही स्थित है। कौन सी नदी पर है? सतबहनी नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में है। ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में है मोतीझरा जलप्रपात। ये अजय नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? अजय नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 46 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 46 मीटर। कौन सी? मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई 46 मीटर है। नेक्स्ट है पंचगढ़ जलप्रपात। पंचगढ़ जलप्रपात कहाँ है? खुट्टी जिले में है, खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में। ये पंचगढ़ जलप्रपात खुट्टी जिले में है। ये बनाई नदी पर स्थित है। बनाई नदी याद रखिएगा, बनाई नदी। पंचगढ़ जलप्रपात जो है खुट्टी जिले में है और ये बनाई नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रामगढ़ जिले में है। रामगढ़ जिले में है। ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है? रामगढ़ में है। और किस नदी पर है? दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर है। नेक्स्ट है घरघरिया जलप्रपात। घरघरिया जलप्रपात कौन सा? घरघरिया जलप्रपात कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? ये लोहरदगा जिले में है। कौन से जिले में है? लोहरदगा जिले में। घरघरिया जलप्रपात जो है वो लोहरदगा जिले में है। इसकी कुछ विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है गौतम घाग। ये गौतम बुद्ध है, ये गौतम घाग है। ये गौतम घाग जो है ये लातेहार जिले में है। ये कहाँ है? लातेहार जिले में है। इसकी ऊंचाई 36 मीटर है। 36 मीटर इसकी ऊंचाई है। गौतम घाग की जो जलप्रपात है वो लातेहार में है और उस चीज की ऊंचाई है 36 मीटर। नेक्स्ट है प्रेमा घाग। ये प्रेमा घाग कहाँ है? गुमले जिले में है। प्रेमा घाग गुमले जिले में है। ये रायडी प्रखंड में है। प्रेमा घाग जो है जलप्रपात वो रायडी प्रखंड में है। प्रेमा घाग जलप्रपात जो गुमला जिले के रायडी प्रखंड में है। नेक्स्ट है धारागिरी जलप्रपात। कौन सा है? धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात ये कहाँ है? घाटशिला। घाटशिला में कहाँ है? घाटशिला में है। धारागिरी जलप्रपात कहाँ है? घाटशिला में है। इसकी कोई विशेषता नहीं है। दूसरा नेक्स्ट है नागफेनी जलप्रपात। कौन सा है? नागफेनी ये कहाँ है? गुमला जिले में है। नागफेनी जलप्रपात कहाँ है? गुमला जिले में। नेक्स्ट है सतवागन जलप्रपात। सतवागन कौन सा है? सतवागन जलप्रपात कहाँ है? कोडरमा में है। कौन से जिले में है? कोडरमा जिले में है। सतवागन जलप्रपात कौन सा है? कहाँ है? कोडरमा जिले में है। नेक्स्ट है मोनीडीह। कौन सा है? मोनीडीह जलप्रपात क्या है? मोनीडीह जलप्रपात कहाँ कहाँ है? धनबाद जिले में है। मोनीडीह जलप्रपात कहाँ है? धनबाद जिले में है। नेक्स्ट है मिर्चैया जलप्रपात। यह मिर्चैया जलप्रपात जो है वो कहाँ है? लातेहार में। कहाँ है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। मिर्चैया जलप्रपात कहाँ है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। मालूदा नेक्स्ट है। मालूदा जलप्रपात यह चतरा जिला में है। मालूदा जलप्रपात जो है चतरा जिला में स्थित है। मालूदा जलप्रपात जो है वो चतरा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है बोकारो जलप्रपात। ये जो बोकारो जलप्रपात है ये हजारीबाग में स्थित है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, नाम पे मत जाइएगा इसका। ये बोकारो नाम पे है लेकिन ये है हजारीबाग जिले में। बोकारो जलप्रपात कहाँ है? हजारीबाग जिले में है। नेक्स्ट है बलचौरा जलप्रपात। ये गढ़वा जिले में है। कहाँ पे है? गढ़वा जिले में। बलचौरा जलप्रपात जो है वो गढ़वा जिले में है। ये कन्हर नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कन्हर नदी पर है। नेक्स्ट है पेरना घाग। पेरना घाग एक है पेरवा घाग, एक है पेरना घाग। ये पेरना घाग है। ये पेरना घाग है तपकारा क्षेत्र में है। कहाँ है? तपकारा क्षेत्र में। पेरना घाग जो है वो तपकारा क्षेत्र में है। नेक्स्ट है ठकोरा जलप्रपात। ठकोरा
थकुरा जलप्रपात ये कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ है ये? पश्चिमी सिंहभूम में है। थकुरा जलप्रपात जो है वो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। नेक्स्ट है गोवा जलप्रपात। गोवा जलप्रपात, ये नाम गोवा है लेकिन है ये चतरा जिला में। कहाँ पे है? चतरा जिला में। गोवा जलप्रपात जो है वो चतरा जिला में है। चतरा जिला में कहाँ पे? चतरा जिला। ये नेक्स्ट है गुंगा झज जलप्रपात। ये कहाँ है? गढ़वा में है। गुंगा झज जलप्रपात कहाँ है? गढ़वा जिले में है। नेक्स्ट है गुरसेंधु जलप्रपात। इसकी कोई नेक्स्ट है केलाघाट जलप्रपात। ये केलाघाट कहाँ है? सिमडेगा में है। कहाँ? सिमडेगा में। केलाघाट जो है वो सिमडेगा में। नेक्स्ट है हेसातु जलप्रपात कहाँ है? गढ़वा में। हेसातु जलप्रपात कहाँ है? गढ़वा में। नेक्स्ट है सुनुआ जलप्रपात। ये कहाँ है? रांची के अनगढ़ा प्रखंड में है। ये रांची के अनगढ़ा प्रखंड में है। सुनुआ जलप्रपात कहाँ है? रांची के अनगढ़ा प्रखंड में है। नेक्स्ट है सुगा काटा घाग जलप्रपात। ये कहाँ है? सिमडेगा से 23 किलोमीटर की दूरी पर संघ नदी पर स्थित है। सुगा काटा घाग जो है सिमडेगा से 23 किलोमीटर की दूरी पर कौन सी नदी पर है? संख नदी पर है। सदनी घाग जलप्रपात कहाँ है? गुमला में है और ये संख नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? संख नदी पर। ये सुगा काटा घाग और सदनी घाग दोनों संख नदी पर ही स्थित है लेकिन जगह जगह अलग अलग है। ये सुगा काटा घाग वो सिमडेगा में है और सदनी घाग जो है वो गुमला जिला में है। नेक्स्ट है लुपुंग गुटू जलप्रपात। ये कहाँ पे है? चाईबासा में है। लुपुंग गुटू जलप्रपात जो है चाईबासा में है। कहाँ है? चाईबासा में। एक बार फिर से देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पहला है बूढ़ाघाग जलप्रपात। ये जो बूढ़ाघाग जलप्रपात है किसने ये आपका जाके लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाग जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, इसको लोधाघाग ही बोला जाता है। इसकी ऊंचाई है 137 मीटर ऊंचाई है और 450 फीट में इसकी ऊंचाई है। ये बूढ़ाघाग नदी पर जो उत्तरी कोयल की सहायक है। दूसरा है हंड्रू जलप्रपात जो रांची में है, जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो हुनरू जलप्रपात है। ये किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन सा नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। हुनरू जलप्रपात जो स्वर्णरेखा नदी पर है जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है। कितनी इसकी ऊंचाई? 74 मीटर या फिर 320 फीट। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फीट में या फिर मीटर में, तो ये 74 मीटर और या फिर 320 फीट में है। एक है दसम जलप्रपात, वो रांची में है। नदी कांची नदी पर है। दसम किस नदी पर है? कांची नदी पर। ऊंचाई 40 मीटर है। और नेक्स्ट है उसरी जलप्रपात। ये खंडोली पहाड़ है गिरिडीह में, उस पर स्थित है। उसरी जलप्रपात कहाँ है? खंडोली पहाड़ गिरिडीह में स्थित है। किस नदी पर है? उसरी नदी पर ही है। पंचघाग ये कहाँ पे है? खूंटी जिले में है। पंचघाग किस जिले में है? खूंटी जिले में है। ये इसका नाम पंचघाग क्यों पड़ा? पांच धाराओं के बटने से इसका नाम पंचघाग पड़ा। क्या है? तो पांच धाराओं में बटा हुआ है जिसके कारण इसका नाम पंचघाग पड़ा है। ये खूंटी जिले में स्थित है। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा ये झारखंड के जलप्रपात। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपको अच्छी तरह से दे सकें।